नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाई आईएसआई करवा सकती है संसद पर हमला। पाक अधिकृत कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई एक बार फिर संसद को निशाना बना सकती है। मीडिया खबरों के अनुसार आईएसआई इस मामले में मौलाना मसूद अजहर के जैश मोहम्मद के अलावा जैश से अलग होकर बने तंजीम जैश उल हक की भी मदद ले सकती है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि अगर फिदायीन संसद पर हमला करने में नाकामयाब होते हैं तो वे दिल्ली सचिवालय पर अटैक करेंगे। उनकी लिस्ट में दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर और लोटस टेम्पल भी शामिल है। गौरतलब है कि 2001 में भी जैश ने अफजल गुरु की मदद से संसद पर हमला किया था। ब्रह्मपुत्र का पानी रोकने पर चीन ने दी सफाई। ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी को बाधित करके भारत एवं पाकिस्तान के बीच जल युद्ध में शामिल होने की खबरों को खारिज करते हुए चीनी आधिकारिक मीडिया ने कहा कि वह भारत एवं बांग्लादेश के साथ जल साझा करके बहुपक्षीय सहयोग तंत्र में शामिल होना चाहता है। ग्लोबल टाइम्स में एक लेख में कहा गया है कि काल्पनिक जल युद्ध से चीन एवं भारत के संबंध प्रभावित नहीं होने चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी के जल को एक संभावित हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने की संभावना नहीं है। लेख में कहा गया है कि भारतीय लोगों के गुस्से को समझना आसान है क्योंकि उन्होंने ऐसी खबरें पड़ी है कि चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी का जल रोक दिया है। कई देशों की सीमाओं से होकर गुजरने वाली यह नदी दक्षिण पश्चिम चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम और बाद में बांग्लादेश जाती है। यह नदी इन क्षेत्रों के लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। श्रीनगर में कश्मीरी लड़कों ने देश का दिल जीत लिया। श्रीनगर हाईवे पर रविवार को सेना की गाड़ी पेड़ से टकराकर हादसे का शिकार हो गई। दो जवान जख्मी हो गए। हादसे के बाद स्थानीय कश्मीरी युवकों ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया उसका वीडियो वायरल हो गया है। इस वीडियो की एक लाइन की खबर ये है कि श्रीनगर हाईवे पर लाजन में सेना की एक गाड़ी पेड़ से टकरा गई और सेना के दो जवान जख्मी हो गए। गाड़ी इतनी क्षतिग्रस्त हो गई थी कि दोनों सवार जवान उसमें फंस गए। क्षतिग्रस्त गाड़ी में फंसे सेना के दो जवानों को निकालने का जिम्मा श्रीनगर के स्थानीय लड़कों ने उठाया। पेड़ से टकराकर गाड़ी ऐसी फंसी थी कि जवानों को निकालने के लिए पहुंचना मुश्किल था। लड़कों ने क्षतिग्रस्त ट्रक के बराबर एक ट्रक लाकर खड़ा कर दिया। उसके जरिए ड्राइवर केबिन तक पहुंचा और वहां से जवानों को बाहर निकाला। सेना ने कश्मीरी लड़कों की इस दिलेरी को सलाम किया है। भारतीय सेना के नागर कमांड ने तो बाकायदा ट्वीट करके कश्मीरी लड़कों की मदद के लिए शुक्रिया कहा है।